अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिसने पीसी बिल्ड किया होगा या फिर पीसी बिल्ड्स की अगर वीडियो वगैरह भी देख रखी है, तो आपने जो बजट पीसी बिल्ड्स होते हैं उनमें एक चीज कॉमन नोटिस करी होगी कि जो बजट पीसी बिल्ड्स होते हैं उसमें या तो वो एक एपीयू यूज करते हैं जो कि आपके विदाउट ग्राफिक कार्ड अच्छी गेमिंग करवा देते हैं, या तो वो यूज करते हैं बजट प्रोसेसर जो कि मेनली हमारे क्वाड कोर वाले कैटेगरी से आते हैं, वही i3 हो गया और Ryzen 3 हो गया। तो यही दो इन प्रोसेसर ज्यादातर लोग पिक करते हैं, और इसमें से भी जो है आजकल जो लोग पिक कर रहे हैं वो i3 का 10 जनरेशन और Ryzen 3 का 3100। और इस कैटेगरी में भी जो सबसे ज्यादा प्रोसेसर आप कह सकते हो मार्केट लीड कर रहा है क्वाड कोर का, वो है हमारा Ryzen 3 3100। अब इसमें क्या हो रहा था, लोग जो है Ryzen 3 3100 को ज्यादा खरीद रहे थे कंपेरेटिव टू i3 10 जनरेशन। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि आप एज्यूम करो अगर आप कोई प्रोसेसर लेने जाते हो, आपने अपना बजट डिसाइड किया प्रोसेसर लेने का 8000 से लेकर 9500 तक का, और आप क्या करते हो आपका कोई दोस्त आपको बताता है कि जिस प्रोसेसर में जिस बजट में तू एक नया प्रोसेसर लेने जा रहा है उस सेम बजट में एक और प्रोसेसर आता है दूसरी AMD की तरफ से जो आपको 30% ज़्यादा इससे अच्छी परफॉर्मेंस आपको ला के देगा, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उसी प्रोसेसर को लोगे जो आपको लगभग सेम ज़्यादा अमाउंट भी ना खर्च करना पड़े और आपको 10-15 नहीं 30% ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसमें मिले, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसी प्रोसेसर को पिक करोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो अब जो मैं ये सब चीज़ आपको बता रहा हूँ वो किस रीज़न से बता रहा हूँ, उस रीज़न पर भी आ जाते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा था, अभी तक जो AMD का Ryzen 3 था लोग ज़्यादातर उसको पिक किया करते थे क्योंकि वो जो है कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता था, जिस प्राइस रेंज में i3 आ जाता था उसी प्राइस रेंज में अगर आप थोड़ा सा 500 रुपये या 1500 रुपये ऐड करते हो तो आपको वो Ryzen 3 मिल जाता था, और लोग ले भी लेते थे क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसमें देखने को मिलती थी। इस नॉर्मल सी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कोई भी जो मेरे पॉइंट्स वैलिड लग रहे हो, या मैं जो आपको चीज़ डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप तक सही तरीके से पहुँच पा रही हो, तो इस एफर्ट के लिए आप हमें लाइक करके अपना अप्रिशिएशन ज़रूर दिखा सकते हैं, और चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप हमें अप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो i3 वाला या क्वाड कोर वाला जो सेगमेंट था ना उसमें आप कह सकते हो कि Ryzen 3 3100 रूल कर रहा था एक तरीके से। लेकिन अभी जो इंटेल की तरफ से एक बहुत बढ़िया न्यूज़ या लीक्स आप कह लो, एक्चुअली उसे लीक कह लो, वो निकल के आई है कि 12 जन का जो i3 है वो हो सकता 4-5 महीने बाद आपको मार्केट में देखने मिल जाए अगर ये प्रोसेसर क्वाड कोर वाले कैटेगरी में ऐड हो जाता है। बहुत समय तक रूल करने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। एक्चुअली होने तो 4 कोर 8 थ्रेड वाला ही है, लेकिन आपको हो सकता परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक हेक्सा कोर वाले लेवल तक की दे सके, गेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी जो है मैं आपको बेंचमार्क्स वगैरह भी आगे दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ और चीज़ें बता दूँ। तो जो अगर 12 जेन के प्रोसेसर जो अभी आए हैं उनको अगर जानते हैं तो मैं उनको बता दूँ, उनमें एक नया कॉन्सेप्ट था पी कोर और ई कोर का, आपको शायद पता होगा जिस लोग को भी 12 जनरेशन के बारे में पता होगा। तो वो पी कोर और ई कोर का उसमें कुछ कॉन्सेप्ट था, तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था, कुछ प्रोग्राम्स में क्या हो रहा था कि जो OS है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था उतना अच्छा प्रोसेसर से कि मेरे को किससे इंस्ट्रक्शन देने हैं, किससे लेने हैं, पी कोर से लेने हैं, ई कोर से लेने थे। तो ओवरऑल कहूँ तो वो कन्फ्यूज़ हो रहा था OS पी कोर और ई कोर में, क्योंकि उतना अच्छे से अभी ऑप्टिमाइज नहीं है उसके लिए विंडो। तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो लेकिन इस वाले i3 में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको सिर्फ पी कोर देखने को मिलेंगे, इसमें ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा कि OS कंफ्यूज हो रहा हो, बढ़िया से ये चलने वाला है। और अभी फटाफट से आपको मैं सारी चीज़ दिखा देता हूँ बेंचमार्क्स के साथ, ताकि आपको मैं जो यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो पाए मैं क्या चीज़ आपको एक्चुअली क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब बेंचमार्क देखने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्रोसेसर के बारे में और कुछ बता देता हूँ, जैसे कि ये प्रोसेसर जो है वो एडर लीक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जैसे कि हमारे 12 जेन वाले प्रोसेसर अभी तक जो नए नए आ रहे हैं उस पे है, प्रोसेसर जो है वो भी उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। साथ ही साथ आपको बताऊँ ये जो है 65 TDP के साथ आता है, मतलब कि आपको ज़्यादा महंगी वाली पावर सप्लाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई डिसेंट पावर सप्लाई भी इसमें यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा आपको मतलब इन्वेस्ट करने की उस पर ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली ये प्रोसेसर जो है 10nm की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, मतलब कि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं वो हर दूसरा ट्रांजिस्टर 10nm की दूरी पे है, और जितना कम ये NM होता है उतना अच्छा एफिशिएंट हमारा प्रोसेसर निकल के आता है और उतना ज़्यादा पावरफुल रहता है। ये कितना पावरफुल प्रोसेसर वो तो मैंने आपको आगे पहले वीडियो में बता ही चुका है कि जो, और बाकी जो यहां से स्कोर निकल आ रहे बेंचमार्क्स के, ये जो है 3060 Ti ग्राफिक कार्ड यूज़ करके इन्होंने लिए हैं। बाकी इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आप और अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ हुए हैं। अभी हम सीधा बेंचमार्क्स की तरफ ही चलते हैं।
अब जो बेंचमार्क्स आप देख रहे हो ये तीन प्रोसेसर के स्कोर हैं, एक है हमारा 12th जेन का i3 और दूसरा है राइजन 3 3100 और एक प्रोसेसर और है AMD का राइजन 3 3300X। इस प्रोसेसर के स्कोर को मैं आपको कहूँगा कि उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये वाले प्रोसेसर की जो स्कोरिंग ली गई है, मैं बता दूँ ये वाला प्रोसेसर जो है थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली आ जाता है और इतने में आप आराम से एक हेक्साकोर वाला प्रोसेसर ले लोगे, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि इसके स्कोर थोड़ा आप इग्नोर ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। हम सीधा ध्यान देंगे 12th जेन के i3 पे और राइजन 3 3100 पे। तो अभी जो आप स्कोर देख रहे हैं ब्लू वाला जो है 12th जेन का i3 है और इसका आप देख सकते हो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा जा रहा है और मल्टी कोर का भी बहुत ही अच्छा जा रहा है स्कोर। बाकी हम टेम्परेचर्स वगैरह भी देख लेते हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो क्या ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा थर्मल भी इसके आते हैं, तो वो चीज़ भी देख लेते हैं। अब थर्मल्स की बात करें तो आप देख सकते हो इसके टेम्परेचर जो हैं i3 के तो काफ़ी कम हैं, 45 to 55 ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। बाकी प्रोसेसर के आप थर्मल देख रहे हो बहुत ज़्यादा ही जा रहे हैं, बहुत मतलब कि हैवी वर्कलोड में वो बहुत ज़्यादा हीटिंग आपको हीटिंग इशूज़ या हीट वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन i3 के केस में कुछ ज़्यादा इतनी ज़्यादा हीट नहीं देखने को मिलेगी, एकदम डिसेंट सी आप देखोगे तो। बाकी कुछ और स्कोर्स भी हैं जो प्रोडक्टिविटी के और कंटेंट क्रिएशन के और भी कुछ चीज़ों के हैं ये, तो आप इसमें भी देख सकते हो i3 12th जनरेशन सब चीज़ में आगे है, और बाकी आप और डिटेल में देखना हो तो आप पॉज करके भी देख सकते हो। अगर आप इस बेंचमार्क में नज़र डालते हो तो ये जो है CSGO का बेंचमार्क्स है इस पर, और इस पर भी आप जो स्कोर है वो देख सकते हो i3 12th जनरेशन का ही ज़्यादा है, और बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो पॉज करके। तो अगर ये प्रोसेसर जो है वो 8 से लेके 10 हज़ार के बीच में आ जाता है तब तो फिर बहुत सही प्राइसिंग होने वाली है इसकी। बाकी इसमें मैंने सारी चीज़ कवर करके आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर चुका है, तो वीडियो का हम यहीं ख़त्म कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी पॉइंट सही लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना इस वीडियो को, और नए व्यूअर्स देख रहे हो तो वो भी लाइक करके सब्सक्राइब करके रख देना। तब तक मिलता हूँ आपको मैं किसी और नए वीडियो के साथ, और अगर आपको एक गेमिंग माउस लेना है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना, और अगर आपको एक गेमिंग बजट लेना है तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।